Thank you.
presidenta! यहाँ पे पधारे हैं, देखते हैं कुतिया पधारे। मंच के दाहिनी तरफ है और पत्रकार महोदय जो मंच के बाईं तरफ अभी कुछ चेयर लगेगी, कृपया वहां भी जगह खाली करें। मेरा सभी महानुभावों से अनुभव है, कृपया यहां पे जितने भी वीआईपी हमारे पधारे हैं जो वो यहां पे बिराजे, मंच के दाहिनी ओर बिराजे और बाईं ओर पत्रकार महोदय हमारे। नए भूल गए यो गलतियाँ किले
भूल जी, नए भूल जी हम नए भूल जियो धरती आगिले नए भूल जी जिस स्टेट में संचालित होता है उस प्रदेश का व्यक्ति इस महासम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। तो मैं आदरणीय हमारे साथी प्रेरणा स्रोत गजानन जी ब्राह्मणे को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वे मंच पे आए और इस 24वें आदिवासी एकता सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन के अध्यक्ष की घोषणा करें। मैं मध्य प्रदेश के शिव भानु जी मंडलोई जी को मैं मध्य प्रदेश की ओर से इस कार्यक्रम के अध्यक्ष की अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करता। राजस्थान प्रदेश शिव भानु जी का जो प्रस्ताव रखा उसका समर्थन करता है। धन्यवाद धन्यवाद। हमारी परंपरा है कि कहा जाता है सर सलामत तो पगड़ियां हजार, पगड़ी बांधने की रस्म, पगड़ी के रस्म के लिए महावीर जी जहां कहीं हो यहां पर पधारे। पगड़ी आबाद जिंदाबाद। नहीं सकता, आप लोगों से पूछता हूं कौन कहता है छलियों में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक आप इंतजार करते रहो। ये थीम बनी है, अनावरण जो है वो अध्यक्ष जी स्टेज पे पधारे, साथ में गोसा पेंटर जी, गोसा करडे उर्फ गोसा पेंटर महाराष्ट्र से, जिला नंदुरबार तहसील शहादा और उनका गांव अड़गांव। ये बचपन से ही चित्रकारिता में माहिर थे। उनके माँ ने हमारे जीवन आदिवासी जीवन मूल्य के ऊपर तो कुछ भी कर कुछ भी चित्र बना के दिखा दुनिया को, ऐसा माँ ने उनको आशीर्वाद दिया। और अभी तक के जितने भी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन होता ये है मेरखेड़ी से होके पालघर या मानगढ़ की, उन्होंने प्रकृति मुक्ति हमारा जो भी सांस्कृतिक जीवन है और हम मूल निवासी है ये पृथ्वी के यहाँ पे पूजा की गई कि इसके ऊपर के उन्होंने थीम पूरा अभी तक के सम्मेलन में दिया। ये जो बैनर बनाते हैं सम्मेलन के जो सम्मेलन है तो आधा काम तो वह सम्मेलन के थीम पर ही चल जाता है, इतना उसके ऊपर विचार रखते हैं। और हमें गर्व है कि ये हमारे महाराष्ट्र से और हम साथ साथ बड़े हुए, इसलिए उनके बारे में मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद आपकी। आदिवासी ने पूजा रे राम टोंट्या माम ने पूजा रे जा भावे चाय अमरो नावे आदिवासी ने पूजा रे। Yeah, but I'm not.
आपके सामने दो शब्द कहेंगे। स्टेज बैनर का थीम का बोलत अनावरण हुआ, जो थीम जो स्टेज बैनर आदिवासी एकता परिषद का आईना होता है। आज से बनी सिबली हमारी आदिवासी संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ पर चित्र में बताया गया है सिबली और पृथ्वी की जुगलबंदी बताई गई है। सिबली घुंघरू बांधे और सप्तरंगी फूल सजे हुए अपने ताल में ताल की बद्धता में झूम रही है और उसके साथ धरती भी घूम रही है। संस्कृति और प्रकृति का सदियों से गहरा रिश्ता रहा है और हमारी जिस प्रकार संस्कृति खिलती है उसी प्रकार धरती और प्रकृति भी फलती है और फूलती है। हमारी संस्कृति जो सिबली, इस सिबली में मानवता मूल्य है। हमारी सिबली में समानता है, हमारी सिबली में सहजीवन की भावना है, इसलिए धरती भी इस सिबली में समा गई है। दूसरी बात, चित्र में बताया गया है सामने कॉरिडोर बताया गया है, यानी दो पदरी चार पदरी रास्ता बताया गया है। यह रास्ता मानो एनाकोंडा के रूप में हमारी आदिवासी का जीवन को निगल रहा है। हमारी खेती, हमारी बैल, हमारे हल कहाँ पड़े हैं, मकान किधर पड़े हैं, हमारा संसार का साधन चूल्हा, हमारी हंडी, ये सब संसार उध्वस्त हो रहा है। ये कॉरिडोर के नाम पर उध्वस्त हो रहा है और हमें विस्थापन के पाले आ गए हैं। दूसरी ओर बताया गया है यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड की स्थिति यहाँ पर चित्रित की गई है, जहाँ पर हमारे आदिवासी लोग पहाड़ पर्वतों पर पर्वतों का आश्रय लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उसी पहाड़ को वे अपने देवता मानते हैं और उसे अपने पूर्वज भी मानते हैं। यहाँ की स्थिति ऐसे हो गई है कि हमारे आदिवासी को नक्सलवादी घोषित करके उन्हें जेलों में ठूसे जा रहे हैं और छोटे छोटे बालक को तक नक्सली घोषित कर रहे हैं। जिस प्रकार पैसा एक्ट का तहत बताया जाता है कि हमारे गांव में हमारा राज, मगर यहाँ सब बातें उल्टी बताई गई है, क्योंकि मशीनरी के कारण हमारे आदिवासी को काम नहीं है। सरदार सरोवर जैसा डैम बताया गया है, जो सभी को ये बातें मालूम है। सरदार सरोवर में हमारे आदिवासियों की संस्कृति है, वह जल समाधि ले लिए समझो। कॉरिडोर हो या खदान हो या डैम हो, इससे विस्थापन के कारण हमारे संस्कृति पर बहुत बड़ा असर होते हुए दिखाई दे रहा है। ये 2000 का नोट गौर से देखिए, ये वर्तमान स्थिति को इंगित करता है। ये 2000 की नोट गरीब लोगों को लग रहा है वो खुशी मना रहे हैं, चलो अच्छे दिन आ गए, अभी अच्छे दिन आने वाले हैं, मगर स्थिति कंफ्यूजन वाली है। अगर ये आने वाला समय ही बताएगा ये स्थिति मारने वाली है या तारने वाली है। ऊपर देखिए भारत के नक्शे पर, जहां काले धन वाले इस धरती से कंडलते हुए बताया गया है, और दूसरी ओर देखिए जो एक आदिवासी धरती पर गिरे हुए को सहारा दे रहा है, उठा रहा है, ये इंसानियत का धर्म है। और दूसरा देखिए, इस पृथ्वी पर यह राजस्थान का नक्शा बताया गया है। इस नक्शे में हमारे पूंजा बिल बताए गए हैं, जो पूंजा बिल अपने प्रक्रम किया था, इसलिए ये राणा प्रताप ने उन्हें राणा की उपाधि दी थी, ऐसे राणा पूंजा भी वहां इस चित्र में बताया गया है। आहुति देने वाली बाला अपनी कांति काली बेन है, उसी के गांव की
और उसी के स्थल वही स्थल से ये महिला ये सम्मान रैली निकली हुए है। मेरे दो शब्द सुने इसलिए धन्यवाद देता हूँ। आपकी जय। लेकर चलो कायनात लेकर चलो, ऐसे चलो ऐसे चलो कि सबको साथ लेकर चलो। हमारा इतिहास लिखा जा रहा है, अब हम दूसरों का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, हमारा इतिहास पढ़ेंगे, हमारा लिखा हुआ इतिहास पढ़ेंगे। डॉक्टर शांतिकर जी जो गुजरात आदिवासी एकता परिषद के प्रमुख है, आप भी आ जाओ शांतिकर जी। अभी जो हमारी आदिवासी एकता परिषद की 24वां आदिवासी एकता महासम्मेलन करता हूं। आदिवासी एकता परिषद के 24वें सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन में पधारे हुए अरावली के सपूतों, विंध्याचल के माताओं बहनों, सतपुड़ा के भाइयों बहनों और हिमालय की गोद से आए हुए सभी मेहमानों का, मेवाड़ की धरती पर इस अरावली की गोद में बसे हुए राणा पूंजा भील की धरती पर इस डाकन कोटड़ा ग्राम में दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस सृष्टि में चाहे जो वो कितने ही गैलेक्सीज हो, कितना ही ब्रह्मांड हो, सारी की सारी चीजें गोल है। और महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग सहित पिछले साल यूएनओ में जितने भी वैज्ञानिक इकट्ठा हुए थे, उन्होंने एक शब्द कहा था कि अगर पृथ्वी को बचाना है, मानव जीवन को बचाना है, तो हमें आदिवासियों के जीवन और आदिवासियों की संस्कृति को अपनाना होगा। हमें आज यहां से 24वें सम्मेलन से उदयपुर की धरती से ये संकल्प लेना होगा कि वास्तव में हम हमारे अतीत की ओर लौटे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम मेवाड़ की धरती के वो लोग हैं, राणा पूंजा की संतान है, जिसने एक आवाज पर मुगलों की फौज को कई वर्षों तक मेवाड़ में नहीं घुसने दिया था, तो दूसरों की तो क्या औकात है। हम आप पुकारोगे तो एक आवाज पर आपके साथ कहीं भी खड़े होने के लिए तैयार हैं।
मैं पुनः समस्त राजस्थान वासियों की तरफ से, राजस्थान के सभी आदिवासियों की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके उज्जवल मानव जीवन की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमें और हमारी धरती को बचाए। जय हिंद, जय आदिवासी। जगू को स्टेज पे बुलाता हूं। पुडाई भी अमा जाते भी अमा बीरा वड़ा में कुदी चलिया बीरो यावी ने उपयोग ले जाती रिवाज बीराया पुडाई भी अमा जाते भी अमा बीरा वड़ा में कुदी चलिया ओ बीरो यावी ने उपयोग ले जाति रिवाज बिगिराया पुडारी दिया मजाते दिया मा बिगिरा वाड़ा में कुदी चलिया ओ बिगिरो या भी ने उपयोग ले जाति रिवाज बिगिराया जेने ते में किने मोते दे दे दिल्ली गाड़ी पे जाए पोरिया फटलुम जाए ने है मोजिया बचे जाति गोथिया बिगिराया फेरी पोहो नारी फेरी पाल नारी धरती जीवाए जीवन में नहीं चालू पे जाए ने ताए क्या महिला सम्मान नहीं था दुनिया में खेरो नहेरा महासचिव अशोक भाई चौधरी करेंगे। अशोक भाई चौधरी आज 24वें सांस्कृतिक महासम्मेलन में पधारे हुए हमारे आदरणीय सभी नेतागण अतिथिगण बुजुर्ग भाइयों बहनों आदिवासी एकता परिषद की जो स्थापना हुई और हमारे महाराष्ट्र के साथियों ने उसकी स्थापना की हमको आरक्षण दिया गया था वो आरक्षण हमारे समाज के रिप्रेजेंटेशन के लिए था प्रतिनिधित्व के लिए था शिक्षा में आरक्षण दिया गया था वो भी हमारे समाज का देश में हम प्रतिनिधित्व कर सके इसलिए दिया गया था नौकरियों में आरक्षण दिया गया था वो भी इसलिए दिया गया था कि हमारे समाज की सुरक्षा हमारे कर्मचारी लोग कर सके इसलिए दिया गया था लेकिन हम लोगों को महसूस हो रहा था कि कहीं हमारे साथी लोग भटक गए इसलिए आदिवासी एकता परिषद ने सोचा कि हमारे में से एक नेतृत्व खड़ा करने की भी आवश्यकता वो नेतृत्व ऐसा हो जो देश और दुनिया की जो चुनौतियां है उस चुनौतियां का सामना कर सके ऐसी कक्षा का नेतृत्व हो मैं ये कह रहा हूँ कि 5000 साल से सबसे लंबे समय अरसे तक आजादी की लड़ाई जिस समाज ने लड़ी थी वो समाज का नाम इसने नहीं है तो आदिवासी एकता परिषद ने महसूस किया कि जहां तक हमारे समाज में से इस कक्षा का नेतृत्व पैदा नहीं होगा वहां तक हम लोगों को आजादी मिलने वाली इस मेवाड़ की धरती पर अगर राणा पूजा भील नहीं होता तो महाराणा प्रताप महाराणा कैसे होते महिलाओं का सम्मान करता है महिलाओं को समान जीनता है संभाग रखता है ऐसा जो हमारा समाज है वो लोग चुप बैठ सकते हैं हम लोग कैसे चुप बैठ सकते हैं ऐसा करके आदिवासी एकता परिषद ने ये महिला और बाल सम्मान यात्रा निकालने का तय किया तो ये यात्रा का जो मकसद था वो हमारे समाज के और हमारे दूसरे समाज के भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो लोगों में संवेदना जगे हम लोग
गौरव महसूस करते हैं कि हम लोग आदिवासी समाज में पैदा हुए और प्रकृति ने हमको ये वरदान दिया कि हम आदिवासी समाज में पैदा हुए। 25वां जो हमारा साल है वो साल पूरे देश को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमने राष्ट्रपति जी की मुलाकात भी की है 13 सितंबर को।